नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। देश और प्रदेश की गौरक्षकों की सरकार गौरक्षा की ताजी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से गौरक्षा हो रही है। रीवा की एक गौशाला के पीछे बने तालाब में 50 गायों के शव यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि गायों की देखभाल कैसे हो रही है। बता दें कि रीवा के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत चुरगड़ी गांव में स्थित गौशाला के पीछे तालाब में मवेशियों का भारी मात्रा में कंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। गौवंश कंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और उसने मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर देखने से नजर आ रहा कि गौशाला के पीछे बने तालाब में गायों की कब्रगाह जिम्मेदार लोगों ने बना दी है, जहां उन्हें मरने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। माना जा सकता है जिम्मेदारों के द्वारा मवेशियों के दफनाने की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कराई जाती है। तालाब के आसपास का नजारा यह साफ तौर से दर्शाता है। प्रदेश सरकार द्वारा मवेशियों की सुविधाओं को देखते हुए पंचायत स्तर पर गौशाला बनाए जाने के हजारों दावे की जमीनी हकीकत कुछ दिन पूर्व रीवा में मिर्ची बाबा ने भी बयां किया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यह सरकार गौवंशों की देखभाल नहीं कर सकती, राम विरोधी सरकार। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के पुतला दहन की बात भी कही थी, जिसे बाद में प्रशासन ने नाकाम कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान की अर्थी इसलिए निकाली जा रही थी कि आए दिन पूरे मध्य प्रदेश में भूख से तड़प तड़प कर गाय मर रही है। किसान रात रात भर गाय के लिए जाग रहा है और ये सरकार धर्म विरोधी कार्य कर रही है। 6 महीना से किसी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। मेरे पास सारी फाइलें हैं, ये मेरे पास पूरी फाइलें रखी हैं जिनके तत्व मेरे पास हैं। ये देखिए सारे कागज रखे हैं। चलिए। हर आदमी चाहता है गांव में विचरण करने वाली मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन बड़ा सवाल कैसे? क्या इस तरीके से जैसे रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत क्षेत्र चुरगड़ी गांव से, जहां एक दर्जन से अधिक मवेशियों को मरने के बाद गौशाला के पीछे बने तालाब में ऐसे ही फेंक दिया गया। माना जा रहा है कि गौशाला में 200 से अधिक मवेशियों के रखने की व्यवस्था कराई गई है, परंतु आज इन व्यवस्थाओं की पोल खोलती यह तस्वीर देखने को मिली है, जहां गौशाला में मवेशियों के दफनाने की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कराई गई और मरने के बाद मवेशियों को खुले में एक तालाब में फेंक दिया गया, जिसके बाद अब तकरीबन दर्जनों मवेशियों का कंकाल देखने को मिल रहा है। प्रशासन अब जांच कर रहा है और कार्यवाही की बात कर रहा है। चुरगड़ी ग्राम पंचायत चुरगड़ी, यहाँ कितने लगभग कितनी गायें यहाँ पे मौजूद हैं? लगभग 200 के आसपास। देखा गया है कि पीछे तालाब है, तालाब के पास कई सारे जानवरों का कंकाल पड़ा हुआ है। तो जानवर तो कुछ यहाँ गौशाला में भी जो वृद्ध है, जो बीमार है, तो मर रहे हैं। कुछ अगल बगल के गांव वाले भी यहीं फेंक जाते हैं। बीमार है तो क्या भाई, उनके लिए गंगा जी थोड़ी लेके जाएंगे, उनके लिए तो तालाब है स्थान। दफनाने की व्यवस्था नहीं है, सब वहीं तालाब में ला के फेंक देते हैं। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की जाती आप लोगों को? नहीं, इलाज की व्यवस्था होती लेकिन प्रॉपर जितनी चाहिए उतनी नहीं है, न उतनी भोजन की व्यवस्था हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किए गए? खाने पीने के लिए वही भूसा पैरा रहता है। अभी हम लोगों ने देखा कैमरे में भी कैद है कि कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम से टाइम हो रहा है। सुबह 8 बजे, 8:30 बजे एक बार 4-5 बजे के आसपास, और पानी उनकी आवाह में भरा है तो पूरा दिन तो व्यवस्था रहती नहीं। शासन से किस तरह की दिक्कतें आती हैं इनके भोजन में? शासन से दिक्कत आती है बजट में। बजट अब चाहिए तो उनको भोजन तो डेली चाहिए। जानवर तो इंतजार करेगा नहीं कि हमको 3 महीने बाद दे दो कि 6 महीने बाद दे दो। जानवर को तो भोजन डेली चाहिए। गायों की मौत के बारे में आपके द्वारा प्रशासनिक अमले से अमले को अवगत कराया गया है? अब ये सरपंच सचिव कराए होंगे, हम किस लिए कराए? आप ये गौशाला में क्या देख रेख कर रहे हैं? क्या बस यही देखने आते हैं, क्या इनको भूसा मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं मिला, कर्मचारी काम नहीं, कुछ नहीं है। गांव के निवासी हैं, उसके हिसाब से आते हैं देखने कि क्या हो रहा है।
गांव देख रहे हैं, मतलब गौशाला की देख रेख कर रहे हैं, तो क्या आपकी? भाई गौशाला की नहीं, हम अपनी तरफ से देख रेख कर रहे हैं, गांव के सदस्य हैं, गांव के आदमी हैं, उस हिसाब से देख रेख कर रहे हैं कि क्या है इनका भोजन पानी की व्यवस्था। ये चुरगड़ी गौशाला है रायपुर कचुलियन तहसील में, यहाँ गायों की हड़ताल देखी गई है। तो वही मुझे ये सूचना मिली है, इसके कारण मैं स्वयं ही आज देखने आया हूँ। हालांकि मैंने सीओ जनपद को भी बोला था कि इसका निरीक्षण करें, और उनसे मेरी अभी बात नहीं हो पाई है कि उन्हें निरीक्षण करके क्या पाया है, पर मैं आज स्वयं ही देखने आया हूँ और देखता हूँ, अगर कोई लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, अभी तो जस्ट आया हूँ, मैं विजिट करके देखता हूँ क्या व्यवस्था है यहाँ पे, जो आप लोगों की न्यूज़ है वो उसको भी देखता हूँ कि उसकी क्या सच्चाई है। पहले मैं निरीक्षण कर लूँ, उसके बाद ही कह पाऊँगा इसके बारे में पूरा आपको बता पाऊँगा। दफनाने की कोई व्यवस्था नहीं की है क्या? होनी चाहिए निश्चित तौर से, अगर कोई मृत हो जाता है पशु तो उसको दफनाने की व्यवस्था होनी चाहिए गड्ढा खोद करके। देखा जा रहा है सर जगह जगह कई मतलब दो तीन स्थानों पर इसी के वो पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं निरीक्षण कर लेता हूँ, अगर ये बात सही है तो फिर अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर गौशाला की भी देख रेख कौन देख रहा है यहाँ? ये तो अभी शायद मेरे हिसाब से अभी सभी गौशालाएँ ग्राम पंचायत के ही अंडर में हैं, ग्राम संबंधित ग्राम पंचायत ही देख रही है, अभी उसके संचालन की जिम्मेदारी उसी के पास है। सर गौशाला के अंदर जो गाय बंधी है उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है? हम लोगों ने देखा कैमरे में भी कैद की तस्वीर। ठीक है श्योर, मैं निरीक्षण कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं संबंधित को निर्देशित भी करूँगा और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई भी करेंगे।